नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सचिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। सत्यमेव जयते, मीनिंग ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सत्य असत्य के बारे में। दोस्तों, दुनिया में सत्य को बहुत महत्व दिया जाता है। जैन शास्त्रों में भी सत्य पांच महाव्रतों में से एक है और पतंजलि योग सूत्र में भी पांच यम से एक है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी सत्य के बलबूते पर हिंदुस्तान को फ्रीडम दिलवाई थी। तो ये सत्य असत्य क्या है, चलिए जानते हैं पूज्य दीपक भाई से अगले सेगमेंट में सत्य असत्य के बारे में। प्रभु चौधरी, सत्य मार्ग पर चलने से अनेक परेशानी आ रही है, फिर भी सत्य अहिंसा एवं स्वर्ग के मार्ग पर चल रहा हूँ। मेरे कर्म मार्ग से बाधाएं कैसे दूर हो सकती है, आशीर्वाद प्रदान करें। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, गायत्री परिवार आदि संस्थाओं से जुड़ा हूँ, किंतु आपकी ज्ञान विधि श्रेष्ठ समझ में आती है। अभी आप सत्य मार्ग पे जो चल रहे हो, अभी उसमें थोड़ी डेफिनेशन समझने की जरूरत है। हम जो सत्य मानते हैं कि भाई झूठा क्यों बोला, सत्य ही बोलना चाहिए, मगर सत्य के जो आग्रह किया तो झूठ हो जाता है। हमारे शास्त्र में यानी व्यवहार में बोला गया है, सत्य हित प्रिय और मित, उसी को ही सत्य बोला जाता है। आपको समझ में आता है जी। असत्य आप माँ को बोलो, तू तो मेरी वाइफ, मेरे बाप की वाइफ हो, तो सत्य है कि असत्य है? असत्य। सत्य है मगर नग्न सत्य, उसको असत्य बोला जाएगा, माँ को बहुत दुख होता है। दूसरे लोग बोलेंगे इनकी वाइफ है, मगर आप नहीं बोलना चाहिए, तू तो मेरा बेटा है, तू मुझे माँ बोलना चाहिए। तो ऐसे व्यवहार में भी सत्य को सत्य की व्याख्या में रखो तो ही सत्य बोला जाएगा। तो अभी हमारे लिए क्या है कि आप जो बताते हैं कि सत्य मार्ग पर चलने पर अनेक परेशानियां आ रही है, एक्चुअली परेशानियां आने का कारण सत्य का आग्रह हो जाता है, अहिंसा का आग्रह हो जाता है। वो आग्रह यानी अहंकार परेशानियां को जन्म देता है, परेशानियों को भुगतना पड़ता है अहंकार को। जिसका अहंकार नहीं है, जिसको सिर्फ भावना है, भाव और अहंकार आग्रह में बहुत अंतर है। भावना यानी सत्य होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, किसी को न्याय नीति होनी चाहिए, न्याय होना, वो भाव में रखना है। हमारा भाव से आगे बढ़ते हैं, अहंकार हो जाता है, आग्रह हो जाता है, अभिप्राय हो जाता है, और वो अहंकार होने की वजह से, आग्रह होने की वजह से आपको बाद में परेशानी आती है। आप भाव में रखो और बाद में समझाओ, प्रेम से समाधान करो और एडजस्टमेंट हो जाओ, एडजस्ट लेते जाओ, तो आपको परेशानियां नहीं आएगी जी। अभी आपने कल ज्ञान लिया जी, लिया, तो अभी ज्ञान में ही जाओ आगे। व्यवहार की बातें एडजस्ट एवरीवेयर, टकराव टालिए, हुआ सो न्याय, भुगतता है उसकी गलती, वो चार सेंटेंस पकड़ो और पांच आज्ञा पकड़ो कि रिलेटिव रियल सभी के अलग देखो, हुआ सो व्यवस्थित, फाइलों का संभाव से निकाल करना है, और सच्चा और झूठा उसकी पकड़ छोड़ दो और किसी को दुख न होए उसी को ही महासत्य समझो। समझ में आया आपको जी। तो फिर ये परेशानियां जब भी आएगी तो निमित्त को निर्दोष देखो, हमारी कुछ गलती है, इसे एक्सेप्ट करो। और आप भी प्रभु चौधरी को बोलो कि चलो प्रभु जी, आपकी कुछ गलती होनी चाहिए तो ही आपको परेशानी आते हैं। कौन भुगतता है, हम ही भुगतते हैं, हमारी कुछ गलती होनी चाहिए, निमित्त को निर्दोष देखो। तो धीरे धीरे आप परेशानियों को ज्ञान से सॉल्व करते जाओगे तो परेशानियां खत्म होते जाएगी, नई आएगी भी नहीं। समझ में आया आपको जी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं सत्य और असत्य की। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं घर में, स्कूल में कि सच बोलो, झूठ मत बोलो। तो सत्य हम किससे कहते हैं? क्या हर बार हमारा सत्य करेक्ट ही होता है या फिर हर एक के व्यू पॉइंट पे निर्भर करता है? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे अगले सेगमेंट में। सबको अपनी तरह से कोई बात सच लगती है, कोई बात झूठ लगती है, कोई बात सही लगती है, कोई बात गलत लगती है। तो यूनिवर्सली कौन सी ऐसी बातें हैं जो सच है, सही है, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो गलत है या झूठ है? यूनिवर्सल या इस बातों का निर्णय कौन लेता है? सत्य दो प्रकार का होता है, एक रिलेटिव सत्य
और तीसरा रियल सत्य, रियल और रिलेटिव। रिलेटिव सत्य वह सापेक्ष सत्य होता है, व्यू पॉइंट का सत्य होता है। फॉर एग्जाम्पल दो लाइंस है, एक बड़ी है और एक छोटी है। आप कहोगे कि ये दाई वाली लाइन छोटी है, बाई वाली बड़ी है, तो ये छोटी बड़ी किसके कौन से हिसाब से है? दोनों पास में है तो एक दूसरे के आधार से है। अगर अकेली एक ही रहती लाइन तो ना छोटी रहती ना बड़ी रहती, अकेली एब्सोल्यूट वन रहा तो उसे निरपेक्ष कहते हैं, और ये दो साथ में रहने से उसे रिलेटिव कहते हैं, सापेक्षता आ जाती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कहा जाता है। तो इस दुनिया में जहाँ देखो वहाँ रिलेटिविटी ही है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी में तो कोई आया ही नहीं है, आया जो आ गया रियलिटी, जो रियलिटी को पा गया उसे ज्ञानी कहा जाता है, और उसको फिर ये किसी के साथ मतभेद नहीं रहता है। नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, नो डिफरेंस ऑफ थॉट्स इवन, क्योंकि उसके व्यू पॉइंट से देखो देख सकता है हर एक के व्यू पॉइंट्स में। जैसे कि एक सर्कल है, उसके 360 डिग्री होती है ना, हर कोई एक एक डिग्री पर बैठा हुआ है, और जो डिग्री पर बैठा है उसको उसी डिग्री का उसी एंगल का करेक्ट लगता है, बाकी दीवालों का उसको दिखता नहीं, इसलिए उसको वो गलत है ऐसा दिखता है। तो यही दुनिया में जो मारा मारी है, लड़ाई तंटे है, सच झूठ है, ये अलग अलग व्यू पॉइंट के उसी हर किसी अलग अलग व्यू पॉइंट पे बैठा है उसकी वजह से। और जो सेंटर में बैठा है उसको किसी के साथ मतभेद नहीं है, क्योंकि वो हर किसी को देख सकता है, हर एक के व्यू पॉइंट को अच्छी तरह से देख सकता है, क्योंकि वो सेंटर में है, और उसके लिए तो ऑल रेडी आर इक्वल। व्यू पॉइंट वाले को अलग अलग है लेकिन सेंटर वाले को नहीं। तो जितना हम सेंटर में जाने की कोशिश करेंगे तो हमको कोई किसी के साथ मतभेद नहीं रहेगा। यही दुनिया है, यही सूर्य चंद्र, यही लोग, यह सब कुछ होने के बाद भी हमारी दृष्टि सेंटर में जाने से बिल्कुल बदल जाती है, और यह दृष्टि बदलने से हमें जहाँ लड़ाई झगड़ा राग द्वेष बैर भावना यह सब होता था वह निकल जाता है, और हर एक पे देखते हैं तो उसका व्यू पॉइंट दिख जाता है, इसलिए हमको उस पर करुणा ही आती है और कुछ नहीं आ सकता है। जैसे कि कोई अंधा रहा तो उसको सामने दिखा है बोर्ड मारा है कि भी है अपोलो अस्पताल है, लेकिन उसको बेचारे को दिखता ही नहीं, अंधा है, तो हम कहते करे इतना इतने बड़े लेटर में लिखा हुआ और तुझे दिखता नहीं है, कैसा है तू? अरे बाबा ये अंधा तो बेचारा आँख नहीं है इसलिए वो अंधा है, लेकिन आप तो इतनी बड़ी भी आँखें होकर भी अंधे है क्योंकि इसका अंधापन आपको दिखता नहीं है। इसी तरह सारी दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी आँखें दो दो लेके घूमते हैं फिर भी अंधे जैसे घूम रहे हैं, क्योंकि सामने वाले के व्यू पॉइंट को नहीं समझ पाते, इसलिए हम तो अंधे ही हैं। जितना हम सामने वाले की सीट पर जाके सोचेंगे देखेंगे तो हमें मतभेद नहीं होगा, उसका करेक्ट ही दिखेगा। वो जो देखता है सोचता है करेक्ट है, क्योंकि उसके व्यू पॉइंट में जाके देखो तो आपको भी वैसा ही दिखेगा। तो वहाँ यहाँ सच झूठ का प्रश्न नहीं रहता है, सच झूठ का प्रश्न सापेक्षता में है, रिलेटिविटी में है, व्यू पॉइंट्स में है, इसलिए है, इसीलिए इसको रिलेटिव सत्य कहा है, और रियल सत्य सेंटर में है जहाँ किसी के साथ मतभेद नहीं है। जो भी कोई आता है सेंटर में उसको यह सत्य दिख सकता है, और उस यह उसके लिए जो सेंटर में आज जितने जितने लोग आते हैं उस सारे लोगों के लिए सेंटर वाला सत्य यूनिवर्सल सत्य होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। समझ में आया जी? तो आप भी उसी सेंटर में आ जाओ, हम उसी तरह वही मार्ग पे है और आपको उसी रास्ते ले जाने के लिए रास्ता बताते हैं। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सत्य और असत्य के बारे में। तो ये सत्य असत्य क्या है और क्या उसके भी कोई प्रकार होते हैं? क्या व्यवहार सत्य और रियल सत्य का कोई कनेक्शन है? है तो क्या कनेक्शन है? हमारी दृष्टि में
जो सत्य है वो क्या दूसरों की दृष्टि में असत्य हो सकता है? तो वो कैसे, चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। रमण, दुनिया में सच बोलना चाहते हैं परंतु अभी कलयुग में बिना झूठ बोले काम नहीं चलता है तो मन में दुख होता है, तो मार्गदर्शन करें। आप एक अभिप्राय तय करो कि मुझे व्यवहार में सच बोल के काम करना है, और संजोग वशात झूठ बोलना पड़ा तो प्रतिक्रमण कर डालो। समझ में आता है? हाँ। क्योंकि पुलिस वाला पकड़ेगा, लाइसेंस साहब अभी मेरा भाई है घर पे गया उसको दिया, मैं झूठ बोल के निकल जाने का तो चल, क्योंकि ये संसार चोरी मत करो, हिंसा मत करो। झूठ का तो प्रश्न ऐसा है, व्यवहार जो व्यवहार से जो शब्द से व्यवहार पूरा होता है वो शब्द बोल के पूरा कर डालो। बस हाँ, हमारा इंटेंशन ही होना है कि हमको कुछ लाभ लेना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, समझ लें, कोई पैसा ले लेना है, या तो आप बिजनेस में 25 का माल होगा 40-50 ले लेते हो डबल बोल के झूठ बोल के, ऐसे मत करो। एक नियम रखो बिजनेस में, जितना हो सके उतना प्योरिटी रखो, और संजोग ऐसे कोई भ्रष्टाचार का प्रॉब्लम आ गया और कुछ झूठ बोलना पड़ता है तो समय देख के बोल के, और भाव रखो कि हमको बोलना नहीं चाहिए था फिर भी बोलना पड़ता है, माफी मांगता हूँ, तो धीरे धीरे गुनाह नहीं आए आपको लगेगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, तमसोमा ज्योतिर्गमिया, यानी कि keep me not in the state of darkness of ignorance but make me go towards the light of spiritual knowledge। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं eternal सत्य या फिर relative सत्य असत्य की। बोलिए, आज के समय में जो झूठ बोलता है या चंड चालाकी से और अपना काम बनाता है वो आगे निकलता चला जाता है, और जो सीधे सच्चे लोग होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमारे साथ में जो कलीग्स काम कर रहे हैं उनसे भी प्रतिस्पर्धा में वो आगे निकल जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। तो कहीं अपने अंदर कुछ कमी है या हमको भी वही सब अपनाना चाहिए जो नहीं, बाकी नहीं, लोग कर रहे हैं? नहीं नहीं, नहीं करना चाहिए। एक्चुअली क्या है, आप सिंसियरली काम करते जाओ, सिंसियरिटी ही आपको ऊपर लेके जाएगी। और हमारा रहा पाप पुण्य का हिसाब, पुण्य का उदय होएगा। अभी देखो आपका पुण्य कौन सी जगह पे वापरा है, ज्ञान मिला, सत्संग मिला, मोक्ष मार्ग मिला, उन्होंने पुण्य इसमें वापरा है, झूठो करो लबाड़ी करो पैसा मिलाओ और आगे बढ़ो, आपने वहाँ नहीं वापरा है। तो ये अभी वो रास्ता अच्छा नहीं, भाव बिगाड़ो भी मत, आप सिंसियरली करते जाओ और कम ज़्यादा मिला टेंशन मत रखो, हमें खाना पीना रहना तो सब मिलता ही है। ये तो गुनाह, देखो नियम क्या है कि नीति या अनीति, सारी लाइफ में या सारी साल में जो इनकम होने वाली है एक नया पैसा बढ़ेगा नहीं अनीति करोगे तो, और एक नया पैसा कम नहीं होगा नीति करोगे तो, फिर जो हिसाब व्यवस्थित में है तो फिर क्यों हम नीति या अनीति बिगाड़, अनीति करके हम दूसरी लाइफ का बिगाड़े। नीति में रहो या तो नॉर्मल जो जीवन जीते हैं ऐसे रह के आराम से अपना सिंसियरली करो और हमारा मोक्ष का काम कर लो। ये मोक्ष का जो साधा मिला है, लिंक मिली है, वो पूरी कर लो अभी। और जो व्यवस्थित में है रिलेटिव में भले हो, हमें कोई बुरे रास्ते अपनाने नहीं है। समझ में आया आपको? जी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों आज हमने जाना सत्य असत्य यानी कि सच और झूठ का सही मतलब। तो दोस्तों हमारे दादाजी कहते हैं कि सत्य हित प्रिय और मित हो तभी सत्य कहलाता है, और हर एक का सत्य हर एक के व्यू पॉइंट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमारे वाणी वर्तन और मन से किसी को किंचित मात्र दुख नहीं देना, वही व्यवहार का मूल सत्य है। ऐसे ही व्यवहार के ज्ञानमय सॉल्यूशन जानने के लिए सुनते रहिए नई दृष्टि नई राह, हर रोज इसी समय इसी चैनल पे। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मीठा ही बोलिए।